हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग। एफवाई बीकॉम अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम टू, चैप्टर नेम कंसाइनमेंट अकाउंट, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, इन योर सिलेबस ऑफ अकाउंट्स सेम टू देर आर टोटल फोर चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर्म incomplete records, second one is consignment accounts, third one is branch account and fourth one is fire insurance claim. First of all, we will start with the consignment accounts. So, what is consignment? At times, goods are sent by the dealer to an agent for sale for commission on the basis that the goods will be sold on behalf of and at the risk of the dealer. इसका मतलब बच्चों, see, whenever the dealer or owner of the goods send the goods to the third party for selling the goods to the customer, such agreement is known as consignment. मतलब owner जो होता है वो किसी third party को अपना goods देता है। क्यों देता है? ताकि वो third party market में goods को sell करे और थर्ड पार्टी को जो ओनर है वो कमीशन देगा। ऐसे एग्रीमेंट को कंसाइनमेंट एग्रीमेंट कहते हैं, या ऐसे एग्रीमेंट को कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है? सो द डिस्पैच ऑफ गुड्स इज नोन एज कंसाइनमेंट। सो सी अगेन, व्हाट इज कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन एन ओनर एंड अ थर्ड पार्टी कंसाइनिंग, ठीक है? ओनर एंड द थर्ड पार्टी कंजाइनी, थर्ड पार्टी जो होता है उसे हम कंजाइनी कहते हैं। वेयर बाय कंजाइनी एग्रीज टू सेल द ओनर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन, वेयर बाय द थर्ड पार्टी और द कंजाइनी एग्रीज टू सेल द गुड्स ऑफ द ओनर फॉर वॉट? फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमीशन, ठीक है बच्चों? इसका मतलब सी, कंजाइनमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वॉट इज कंजाइनमेंट? कंजाइनमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे गुड्स का ओनर जो होता है वो अपने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को देता है, किसी एक पर्सन को देता है, और वो पर्सन जो है वो ओनर के बिहाफ पे ये गुड्स को सेल करेगा इन द मार्केट, ठीक है? इसके बदले में क्या मिलेगा थर्ड पार्टी को? थर्ड पार्टी को कमीशन मिलेगा ओनर से, दैट इज नोन एज कंसाइनमेंट। नाउ हु इज कंसाइनर? Who is consigner and consignee? See, consigner, the person who sends the goods is known as consigner. जो person goods भेजता है third party को, वो person consigner होता है. And the agent who receives the goods is known as consignee. और जो person ये goods receive करता है for selling the goods in the market, this person is known as consignee. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स भेजा, तो मिस्टर एक्स क्या हो गया? कंजाइनर हो गया। मिस्टर वाई क्या हुआ? कंजाइनी हुआ, ठीक है? नाउ मिस्टर वाई विल सेल द गुड्स ऑफ कंजाइनर, द गुड्स ऑफ मिस्टर एक्स इन द मार्केट टू द कस्टमर्स, एंड इन रिटर्न ही विल गेट द कमीशन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है? सी एग्जाम्पल, If Mr. X send goods to Mr. Y for sale, Mr. X ने goods भेजा Mr. Y को for sale, means Mr. Y ये goods को सेल करेगा, Mr. X is known as consigner. Mr. X कौन हुआ यहाँ पे? Consigner हुआ, and Mr. Y is known as consignee, ठीक है? The consigner is the principal and the consignee is the agent. ये दोनों के बीच में जो relation होता है, consigner और consignee के बीच में, ये दोनों में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। कंजाइनर जो होता है ही इज द प्रिंसिपल, एंड कंजाइनी जो होता है ही इज द एजेंट। लेट अस सी द फीचर्स ऑफ कंजाइनमेंट। सी, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, कंजाइनर एंड कंजाइनी। कंजाइनमेंट में दो पार्टीज होती है, एक तो कंजाइनर जो ओनर होता है गुड्स का, और दूसरा कंजाइनी जो ये गुड्स मार्केट में बेचने वाला है ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, on behalf of consigner, on behalf of owner, ठीक है? See, तो consigner यहाँ पे कौन होता है? Consigner is the owner, consigner is the principal,
और कंजाइनी कौन होता है? कंजाइनी इज द एजेंट और कंजाइनी इज द थर्ड पार्टी, करेक्ट. देन कंजाइनर हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ हिज गुड्स टू द कंजाइनी. सी कंजाइनर इज सेंडिंग द गुड्स टू द कंजाइनी. तो कंजाइनर इज नॉट गिविंग द ओनरशिप बट कंजाइनी इज गिविंग कंजाइनी इज रिसीविंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स. क्लियर है? मतलब कंजाइनर जो है वो गुड्स का ओनर है, लेकिन कंजाइनर कंजाइनी को जब ये गुड्स बेचता है तो अभी ये गुड्स को कंट्रोल कौन करेगा? कंजाइनी करेगा, ठीक है. बट ओनरशिप अभी भी कंजाइनर के पास ही रहेगा. सो ओनरशिप ओवर गुड्स रिमेन विद द कंजाइनी कंजाइनर अंटिल दे आर सोल्ड. ठीक है, ओनरशिप विल रिमेन विद द कंजाइनर बट पोजेशन विल रिमेन विद द कंजाइनी. कंजाइनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ कंजाइनर्स गुड. नाउ कंजाइनर इज सेंडिंग द गुड्स टू कंजाइनी. सो नाउ कंजाइनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द केयर ऑफ दिस गुड्स जब तक ये गुड्स मार्केट में सेल नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंजाइनर पेज द कंजाइनी फॉर हिज सर्विसेज विद सम कमीशन ऑन द सेल ऑफ गुड्स. मीन्स वेन द कंजाइनी इज सेलिंग द गुड्स इन द मार्केट द कंजाइनर विल गिव कमीशन टू द कंजाइनी फॉर द सर्विसेज विच ही हैज रेंडर्ड टू द कस्टमर. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एनी स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड विद द कंजाइनी बिलोंग्स टू द कंजाइनर. ठीक है, जो भी स्टॉक कंजाइनर ने कंजाइनी को भेजा है, अगर ये स्टॉक में से कुछ भी स्टॉक सेल नहीं हुआ है देन दैट स्टॉक टोटली बिलोंग्स टू कंजाइनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 100 अम्ब्रेलास दिए बेचने के लिए. ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 100 अम्ब्रेलास बेचने के लिए दिए. नाउ मिस्टर एक्स इज द ओनर हियर एंड मिस्टर वाई इज एजेंट. मिस्टर एक्स इज कंजाइनर, मिस्टर वाई इज कंजाइनी. मिस्टर एक्स इज प्रिंसिपल, मिस्टर वाई इज एजेंट. ठीक है, अभी ये 100 अम्ब्रेलास में से मिस्टर वाई ने सपोज 60 अम्ब्रेलास सेल कर दिए, तो ये 60 अम्ब्रेलास का कमीशन मिस्टर वाई को मिलेगा. किससे मिलेगा? मिस्टर एक्स से, करेक्ट. बट 40 अम्ब्रेलास अभी भी जो सेल नहीं हुए है, That unsold stock belongs to whom? That unsold stock belongs to consigner. मतलब Mr. X. Means Mr. Y क्या करेगा? ये जो unsold stock है, वो वापस Mr. X को return कर देगा. ठीक है? Then the profit or loss on consignment belongs to the consigner. Now ये consignment के process में या ये consignment के agreement में जो भी profit या loss होता है That belongs to consigner. Profit हुआ तो भी consigner का, loss हुआ तो भी consigner का. Consignee का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है. Consignee को सिर्फ उसका commission मिलना चाहिए, that's it. ठीक है? Then the consigner does not sell the goods to the consignee. Consigner जो होता है वो consignee को goods बेचता नहीं है. He is not selling the goods to consignee. मिस्टर एक्स ने 100 अम्ब्रेलास दिए मिस्टर वाई को, लेकिन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 100 अम्ब्रेला सेल नहीं किए हैं, सिर्फ उसको दिए हैं ताकि वो ये पर्टिकुलर अम्ब्रेला जो है ये मार्केट में सेल करे. ठीक है, सो द कंजाइनर डज नॉट सेल द गुड्स द कंजाइनी. सो कंजाइनर कैन नॉट आस्क फॉर द सेल प्राइस टू कंजाइनी अनलेस इट इज सोल्ड. जब तक मिस्टर वाई ये मार्केट में अम्ब्रेलास नहीं बेचेगा तब तक मिस्टर एक्स को मतलब कंजाइनर को इसका प्राइस अमाउंट नहीं मिलेगा. और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये बोल भी नहीं सकता कि आप मुझे मेरा पूरे अम्ब्रेलास का अमाउंट दो. क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल नहीं किया है, सिर्फ पोजेशन दिया है ताकि वो ये अम्ब्रेलास को मार्केट में सेल करे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंजाइनी फॉर रिसीविंग एंड सेलिंग द गुड्स आर रिकवर्ड बाई द कंजाइनी फ्रॉम द कंजाइनर. ठीक है, अभी अगर कोई भी गुड्स जो भी गुड्स कंजाइनर ने कंजाइनी को दिया है वो गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए अगर कंजाइनी ने कुछ भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है तो दैट एक्सपेंसेस विल बी रिकवर्ड बाई द कंजाइनी फ्रॉम द कंजाइनर. ठीक है, मान लो कि मिस्टर वाई ने गुड्स बेचने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे 100 रुपीज खर्चा आया,
तो दिस 100 रुपीज मिस्टर वाई विल रिकवर फ्रॉम मिस्टर एक्स. ठीक है, तो एनी एक्सपेंसेस, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल दिया, बट एनी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बाय द कंजाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द गुड्स विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंजाइनर. द पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. देखो यहाँ पे बच्चों पोजेशन इज ट्रांसफर, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर, ओनली द पोजेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम कंजाइनर टू कंजाइनी. देन नेक्स्ट वन इज ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज विद द कंजाइनी एंड नॉट द ओनरशिप. तो मैंने आपको यही बोला कि जो ओनर होता है ये पोजेशन पोजेशन देता है कंजाइनी को, ओनरशिप नहीं देता. ओनर तो अभी भी कंजाइनर ही है, कंजाइनर इज द ओनर, बट द गुड्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंजाइनी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंजाइनर सेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस. देखो कंजाइनर जो होता है जब भी ये गुड्स बेचता है कंजाइनी के पास, तो उसके साथ एक इनवॉइस भेजता है, उसको हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं. अभी प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या होता है, तो यहाँ पे कंजाइनर ये लिख के देता है कि उसने कितने गुड्स भेजे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका प्राइस क्या है एंड सो ऑन. ये हम डीपली इन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस, बट इम्पॉर्टेंट इज कंजाइनर सेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस व्हाइल द कंजाइनी सेंड अकाउंट सेल्स. अभी अकाउंट सेल्स क्या होता है, तो अकाउंट सेल्स कंजाइनी बनाता है, जिसमें कंजाइनी ये डिटेल्स लिख के देता है कि कंजाइनी ने कितने गुड्स सेल किए, कितने में सेल किए, गुड्स को सेल करने के लिए उसे क्या क्या खर्चा हुआ, ठीक है, उसका कमीशन कितना होगा एंड सो ऑन. सो द कंजाइनर सेंड्स प्रोफार्मा इनवॉइस व्हाइल द कंजाइनी सेंड्स अकाउंट सेल्स. अकाउंट सेल्स इंक्लूड द डिटेल्स रिगार्डिंग द गुड्स सेल्स. देखो गुड्स जो सेल किया है वो गुड्स के बारे में अकाउंट सेल्स में इंफॉर्मेशन होगी. एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फिर गुड्स सेल करने पे उसका कमीशन, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा कंजाइनर और कंजाइनी के बीच में, तो उसका अकॉर्डिंग टू दैट एडमिशन उसका कमीशन कितना है वो. अगर कंजाइनी ने कुछ कंजाइनर को एडवांस पेमेंट किया है तो वो भी वो अकाउंट सेल्स में मेंशन करेगा एंड बैलेंस ड्यू. तो अभी कंजाइनी कंजाइनर को कितना पैसा देगा, दैट इज नोन एज बैलेंस ड्यू. तो बच्चों प्रोफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर यर कि कंजाइनर सेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो है इट इज प्रिपेयर बाय कंजाइनर एंड कंजाइनी प्रिपेयर अकाउंट सेल्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू.